नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और आज भारत एट नाइन में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की राजनीति पत्रकारिता किस तरफ आगे बढ़ रही है, अब ये सोचने का वक्त आ गया है। देश में इस वक्त दो तरह के नैरेटिव सेट हो रहे हैं। पहला कि कैसे देश को आगे लेकर जाना है, देश को कैसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और कैसे देश के हर राज्य को विकसित करना है, जो गलतियां पहले की गई उन्हें कैसे अब ठीक करना है। दूसरा ये कि देश में हो रहे अच्छे कामों को भी गलत दिखाना, ऐसा नैरेटिव सेट कर देना जिससे देश में दो विचार पैदा हो। आज का पूरा एपिसोड इन्हीं बातों के इर्द गिर्द है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ अपने विचार भी सामने हम रख देते हैं। महाभारत आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेलीविजन पर देखा भी होगा। लॉकडाउन में तो रामायण और महाभारत एक बार फिर से लोगों ने देखी। उसे देखकर आपने भी एक नैरेटिव बना लिया होगा कि कौरव कितने बुरे थे और पांडव पूरी तरह से सही। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत हैं, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हमें इसी तरीके से बताया गया, इसी तरीके से दिखाया गया और हम सालों से ऐसा ही मानते आए हैं। कौरवों की नजर पांडवों के लाखा मंडल पर पड़ी और कौरवों ने अपनी चाल से पांडवों को चौसर खेलने के लिए बोला। क्या जुआ खेलना सही है? पहला सवाल, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब आप दूसरा पॉइंट यह है कि क्या किसी महिला की बगैर इजाजत के या इजाजत के बाद भी आप उसे दांव पर लगा सकते हैं, जुआ में हार सकते हैं? क्या पांडवों ने सही किया? अब जिसके बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने चीरहरण किया, लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ थे क्योंकि कृष्ण भगवान कृष्ण का यह कहना था कि पांडव सही है। ठीक है, पांडव सही थे, ये एक अलग नैरेटिव है, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो असहमत हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्त्री के पूछे बिना या इजाजत लिए बिना आप उसके लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते। अब ये बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहां भी एक नैरेटिव सेट है कि पांडवों ने कोई गलती नहीं की, पांडव बिल्कुल सही थे और कौरव पूरी तरह से गलत थे। तो हर एक मामले पर, चाहे वो किस्सा हो, कहानी हो, देश का मुद्दा हो, राजनीति से जुड़ा हो, खेल का मुद्दा हो, एंटरटेनमेंट हो, हर चीज में, हर बात में हर किसी का नैरेटिव सेट होता है। और बार 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 आप किसी मामले पर बोलते चले जाएंगे तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसा कि देश में इस वक्त कुछ पत्रकार कर रहे हैं। इन पत्रकारों की बात हम एट नाइन में हर एक एपिसोड में करते हैं और आज भी कर रहे हैं। खैर, चलिए आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईवीएम को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। देखिए, अगर 5 राज्यों की हम बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन कुछ नेताओं के साथ साथ देश के कुछ बड़े पत्रकार भी हैं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका तो है नहीं, पहली बार तो है नहीं जब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हों। विपक्ष हमेशा से ही ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है और सरकार जवाब देती रही है। जब ईवीएम आई और इस पर सवाल उठे तो इस पर जांच भी की गई। ऐसा नहीं है कि इस पर जांच नहीं हुई, जांच की गई। कई वैज्ञानिक जांच कर ये कह चुके हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का डेटा एक्स्ट्रा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसमें किसी तरह की कोई चिप लगाई जा सकती है। अब जांच की मांग की गई थी, जांच हो गई, उसके बावजूद भी बार 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 ईवीएम को बीच में ले आना। देखिए, जहां
विपक्ष जीत रहा है वहां ईवीएम की कोई गलती नहीं होती, लेकिन जहां अगर बीजेपी आ रही है तो वहां ईवीएम की गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार पूरी तरह से ठीक है, बीजेपी पूरी तरह से सही है, या बीजेपी दूध की धुली है, या कांग्रेस पूरी तरह से गलत है, लेकिन जिन बातों पर से पर्दा उठना चाहिए, जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत लोग असहमत होंगे मेरी बातों से, बहुत लोग सहमत भी होंगे। देखिए, इसमें किसी तरह की कोई चिप नहीं लगाई जा सकती, उसके बाद भी ईवीएम का रोना बंद नहीं होता। नेताओं तक तो ठीक था, लेकिन कुछ पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा चुनाव कराकर कांग्रेस को हराने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस जहां जीत रही है, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, तेलंगाना, वहां पर ईवीएम ठीक है? ये सवाल है, यहां पर गौर करिएगा। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, देश का विकास होना चाहिए, आम जनता मैं और आप यही चाहते हैं। लेकिन बार 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 ईवीएम का रोना रोक कर ये दिखाना कि कांग्रेस को हराने की कोशिश की गई है, कांग्रेस हारी नहीं है। लेकिन 70 साल और उसके बाद भी ये बातें, इन पत्रकारों का मकसद यह है कि किसी भी तरीके से एक नैरेटिव सेट कर देना है, किसी भी तरीके से बस कांग्रेस को पॉजिटिव दिखाना है और बीजेपी को नेगेटिव। आप दिखाइए, पॉजिटिव दिखाइए कांग्रेस को, बीजेपी को नेगेटिव दिखाइए, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही हैं उस पर भी बात करिए। ये और कुछ नहीं, ईवीएम और बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना है। हो सकता है लोकसभा को लेकर एक नया टारगेट ऐसे पत्रकारों को मिल गया हो कि आप एक नैरेटिव सेट करिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये पत्रकार बखूबी ऐसा कर भी रहे हैं, बखूबी अपने वीडियोस में ये ईवीएम को लेकर, बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है वहां ये सवाल नहीं उठाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, उस पर ये चुप है? उस पर भी तो बोलिए ना, कितना पैसा आया कहां से। और फिर जब सवाल करते हैं तो फिर ये बात निकल कर सामने आ जाती है कि वो अगर भाजपा में शामिल हो गए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। अरे पहले इस पर तो सवाल उठाइए ना, उस पर वॉशिंग मशीन में धुलेंगे नहीं धुलेंगे तो बाद की बात है। तो इस तरह से एक नैरेटिव सेट कर देना कि ईवीएम खराब है या कुछ, ये हमारे देश के भविष्य के लिए सही नहीं है, देश के भविष्य की राजनीति के लिए सही नहीं है। इसीलिए आप एक पत्रकार की भूमिका निभाइए, किसी के एजेंडे को लेकर आगे मत बढ़िए। और ये सभी के लिए है, एक गलत पहलू एक सही पहलू दोनों ही, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, गलत भी होता है एक सही भी होता है। तो आप दोनों रखिए, सिर्फ गलत दिखाकर आप प्रचार नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपको लोकसभा के लिए कुछ ऐसा एजेंडा मिला है तो ये ठीक है, फिर लोकसभा चुनाव के तहत सारी चीजें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के पद पर है। इसके साथ ही एक नजर डालते हैं इनकी मंत्रिमंडल लिस्ट पर। अब आप ये कहेंगे कि तेलंगाना पर आप बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर बात हो रही है तो तेलंगाना पर क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने एक ही राज्य जीता है तो उस पर भी बात होना जरूरी है। लेकिन यहां पर भी सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो लोगों को शायद नहीं पसंद आ रहे हैं, या फिर हिंदुत्व को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हिंदुत्व को कांग्रेस टारगेट कर रही है। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क बने हैं, उत्तम कुमार रेड्डी हैं इस लिस्ट में शामिल, कुमाठी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सितक्का, ये आदिवासी नेता है। सितक्का कम उम्र में ही, इन पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसको लेकर विवाद हुआ था थोड़ा सा, तो जरा समझ लेते हैं। सितक्का कम उम्र में ही माओवादी आंदोलन में शामिल हो गई थी और उसी आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय एक सशस्त्र दस्ते का नेतृत्व भी कर रही थी। उन्होंने पुलिस के साथ कई मुठभेड़ों में भाग लिया, इस दौरान अपने पति और भाई को भी खो दिया। आंदोलन से निराश होकर उन्होंने 1994 में माफी योजना के तहत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर खुद को सरेंडर कर दिया। अब देखिए, आत्मसमर्पण कर दिया यानी कि वो कहीं ना कहीं गलत थी। अब ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम जो है, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, फटाफट से नाम पर नजर डाल लेते हैं। कोंडा सुरेखा, जुपल्ली कृष्णराव, डुडिल्ला श्रीधर बाबू, तुमल्ला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीवास रेड्डी, दामोदरा राज नरसिम्हा, पोन्नम प्रभाकर, ये तेलंगाना के कैबिनेट की लिस्ट थी। अब देखिए, इस पर बवाल खड़ा हो गया है।
थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। तेलंगाना में नई सरकार की ताजपोशी के साथ प्रोटेम स्पीकर को लेकर पहला विवाद सामने आया, वो क्यों आगे समझेंगे। AIMIM बड़ा झटका लगा AIM को। इनके चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बीजेपी विधायक नाराज हो गए हैं। हुआ ऐसा कि बीजेपी विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया, बीजेपी के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली। गौशा महल से बीजेपी के निर्वाचित विधायक टी राजा सिंह ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। अब बीजेपी का यह कहना है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी से सीनियर विधायक मौजूद थे तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए। इसके पीछे यही तर्क छिपा है। बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए वो जो प्यार है कांग्रेस के अंदर, वो जो प्रेम है वो नजर आ रहा है। करिए, अल्पसंख्यक यानी कि देश का मुसलमान भी देश का हिस्सा ही है। बार बार आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वोटों की राजनीति मत करिए। ऐसा करके आप भेदभाव पैदा मत करिए। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पीछे रखने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले जो प्रचार चल रहा था या उससे पहले INDIA गठबंधन उन्होंने बनाया, बहुत सारे ऐसे बयान सामने आए जो इन्हीं गठबंधन से जुड़े नेताओं ने दिए हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने शायद उसे सीरियसली नहीं लिया और यही वजह रही कि चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हिंदुत्व को पीछे रखना, मुसलमान प्रेम दिखाना गलत नहीं है, लेकिन आप दोनों में मतभेद पैदा मत करिए और मनभेद करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि देश के लिए सही नहीं है। अब ये गलत नहीं है कि मुसलमान अपने हैं, बिल्कुल अपने हैं मुसलमान, देश का हिस्सा है, लेकिन अपने फायदे के लिए सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करना कहां तक सही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और जवाब आप कमेंट्स में देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा हिंदू मुसलमान करना क्यों कांग्रेस के दोहरे चरित्र को क्या नहीं दर्शाता है? बिल्कुल हमेशा से ही है। अब तो कई ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं, कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो सामने से बोलते आए हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाने की कोशिश की है, सिर्फ एक वोट बैंक समझा है। तो अब हमें समझना है कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों जा रही है। एक नैरेटिव सेट मत करिए, देश में जो अच्छा हो रहा है उसे बताइए, कुछ गलत हो रहा है मुद्दों पर बात करिए। हिंदू मुसलमान करना बंद करिए, हर एक चीज को टारगेट करना बंद कर दीजिए और जो असल में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उन पत्रकारों के लिए वीडियो है जो पत्रकार सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाने की बात करते हैं, सिर्फ एक पहलू को दिखाते हैं अपने 20 मिनट के वीडियो में, 23 मिनट के वीडियो में सिर्फ एक ही पहलू पर बात करते हैं, दूसरे पहलू तक वो आते ही नहीं है। आप देश की आधी आबादी को भटकाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आपसे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें एक मुद्दे के, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, उसके दोनों पहलू हो, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, तो शायद बेहतर तरीके से आम जनता उसे एनालाइज कर पाएगी। भारत ऑनलाइन के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आगे हमें कुछ ऐसे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं ताकि आप तक सही बात सही आवाज पहुंच सके।